अक्षरा सिंह के आरोपों पर जब पवन सिंह से पूछा गया सवाल, तो पवन सिंह ने जवाब में कहा नो कमेंट। जी हाँ, यही सवाल का जवाब था। पवन सिंह से रिपोर्टर ने पूछा कि इन दिनों अक्षरा सिंह आप पर आरोप लगा रही हैं, क्या वो आरोप सही है या नहीं है, कुछ तो कहिए। इस पर पवन सिंह ने हाथ जोड़ा और कहा नो कमेंट, अपने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गए। फिर भी रिपोर्टर पूछते रहे कि बताइए तो क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। इस पर पवन सिंह का जवाब था नो कमेंट। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि पवन सिंह हर चीज से वाकिफ जरूर है, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, वो कुछ बोलना तक नहीं चाहते, यानी कि वो शांत रहकर हर चीज का आकलन करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह ने मीडिया में ये तक कह दिया है कि अगर उनको एक खरोच भी आई तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पवन सिंह ही होंगे। साथ ही अपने वीडियो में अक्षरा सिंह पवन सिंह पर ये तोहमतें लगातार लगा रही हैं। पवन सिंह उन पर दबाव डाल रहे थे कि शादी के बाद भी उनसे वो रिलेशन में रहें, जो कि उनके जमीर को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने पवन सिंह का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि दिनों दिन नए खुलासे इस विवाद में होते जा रहे हैं। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को सिलवासा में फिल्म माँ तुझे सलाम के शूटिंग के दौरान उनकी पिटाई भी की थी, जिसका खुलासा खुद अक्षरा सिंह ने किया। उन्होंने ये बताया कि उस दौरान मारपीट भी हुई थी और पवन सिंह ने उन पर हाथ भी उठाया था। आज भी पवन सिंह उनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ये नहीं चाहती। आपको बता दें कि पवन सिंह की चुप्पी पवन सिंह के फैंस को काफी खल रही है। वो चाहते हैं कि जिस तरह अक्षरा ने अपनी बातों को रखा है, ठीक उसी तरह से पवन सिंह भी रखे, लेकिन पवन सिंह हर मामले को नो कमेंट कहकर ही सुलझा लेना चाहते हैं। वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो जब उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था, तब भी पवन सिंह ने कुछ नहीं कहा था, तो अब वो क्या कहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।